इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर। जी हाँ, टाइगर श्रॉफ को आज भागते हुए स्पॉट किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइगर श्रॉफ को कहाँ भागते हुए स्पॉट कर लिया गया। जी हाँ, वैसे असल जिंदगी में उनको भागते हुए स्पॉट नहीं किया गया, उनको स्पॉट किया गया एक पोस्टर में भागते हुए। जी हाँ, स्टंट ऑफ द ईयर 2 जो फिल्म के बारे में काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही है, उस फिल्म का एक और पोस्टर आज जारी कर दिया गया है। जैसा कि लगातार फिल्म मेकर्स इस फिल्म का पोस्टर जारी कर रहे हैं, वैसे ही आज इस फिल्म के दो पोस्टर और आए हैं। इन दो पोस्टर में एक में तो हम टाइगर श्रॉफ को देख सकते हैं कि वो भागते हुए दिख रहे हैं, और साइड साइड में कुछ ऐसी झलकियाँ दिखाई देती हैं कि टाइगर श्रॉफ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, जैसे रस्सी खींचना, कूदना, भागना, दौड़ना, इस तरीके के जो खेल होते हैं स्कूल या कॉलेजेस में, इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हुए टाइगर श्रॉफ इस पोस्टर में दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो दूसरा पोस्टर आज आया है, उस पोस्टर में तारा सुतारिया दिख रही हैं। जी हाँ, तारा सुतारिया वो एक्ट्रेस हैं जो टाइगर श्रॉफ के साथ स्टंट ऑफ द ईयर 2 में स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ जाएंगी। जी हाँ, अगर बात की जाए इस फिल्म के स्टार कास्ट की, तो इस फिल्म में आपको लीड रोल में तीन एक्टर्स दिख जाएंगे। सबसे पहले नाम आता है टाइगर श्रॉफ का, फिर दूसरे नंबर पर है अनन्या पांडे, तो फिर तारा सुतारिया भी इस फिल्म में अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। जी हाँ, ऐसे तीन स्टार कास्ट। वहीं बात की जाए अनन्या पांडे को लेकर, तो अनन्या पांडे के फैंस भी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि अनन्या पांडे का लुक भी इस फिल्म से बाहर आए। वैसे तो एक पोस्टर जारी किया, पहले ही जारी कर दिया गया है, जिसमें तीनों दिखाई दे रहे हैं, पर सेपरेटली अभी तक सिर्फ अनन्या पांडे का पोस्टर अभी तक नहीं आया, बाकी टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया का पोस्टर आ चुका है। अब बात की जाए इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर, तो इस फिल्म का ट्रेलर 12 अप्रैल को रिलीज़ होने जा रहा है। जी हाँ, 12 अप्रैल यानी कल इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया जाएगा। वहीं इस फिल्म की रिलीज डेट भी बहुत नज़दीक आ चुकी है। जी हाँ, फिल्म की रिलीज डेट है 10 मई। जी हाँ, 10 मई 2019 को फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, और फिल्म के रिलीज़ होने में अब केवल एक महीना ही रह गया है। ऐसे में देखना होगा जब फिल्म का ट्रेलर कल आता है तो कैसा माहौल बना के जाता है दर्शकों के दिल पर। जी हाँ, क्योंकि जब फिल्म इतनी नज़दीक हो तो ट्रेलर अगर अच्छा नहीं होगा तो फिल्म बॉक्स ऑफिस में कोई खास कमाल नहीं कर पाएगी। अब ऐसे में देखना होगा कि जब ट्रेलर आएगा तो ये क्या रिएक्शन रहता है पब्लिक का इसके ऊपर, और बॉक्स ऑफिस पर जब फिल्म आएगी तो उसका बॉक्स ऑफिस पर क्या रिएक्शन रहेगा ऑडियंस का। तब तक आप बने रहे हमारे चैनल इन खबर पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।